नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनीष यादव पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा, जैसे कि हम सब जितने भी इंडियंस हैं उन सब के लिए है, बहुत सारे हमारे जो युवा पीढ़ी हैं भारतीय युवाओं के लिए है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रस्त है, तो कैसे हम तनाव से निकल सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो ये लगभग आपको यहाँ पे जितने भी बच्चे दिखेंगे वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो बच्चे 10वीं 12वीं करने के बाद आगे फ्यूचर भविष्य में क्या करना है उसके बारे में जब सोचने लग जाते हैं, तो आप इधर आ जाइए सामने, जब 10वीं 12वीं और आगे अपने जीवन के बारे में सोचने लग जाते हैं तब उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं उनको फैमिली प्रेशर और फाइनेंशियल क्राइसिस और फ्यूचर में क्या करना है, कुछ बच्चों का ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो मानसिक तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक और शारीरिक विकास पे असर पड़ता है और वो खान पान और जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से कैसे निकला जाए, तो इन सारी चीज़ों से निकलने का एक ही उपाय है कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र जो है, सब्र शब्द से अपने आप को जोड़ें और चीज़ों को समझें कि हमें करना क्या है। एक मतलब अपना लाइफ में टारगेट बनाएं कि हम क्या कर सकते हैं, तो इससे उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, तो आप कोशिश करें कि आप कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने से आपको ये होगा कि आपको चीज़ें आसान लगेंगी और आपको आसानी होंगी। बहुत समय ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को लेके, करियर हो या परिवार हो या अपना पढ़ाई हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि आप ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेना इन द सेंस, अगर आप के साथ अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा सकें, तो आप घूमने जा सकते हैं। घूमने से क्या होता है, थोड़ा सा आप नेचर और चीज़ों से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप घूम भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे। जस्ट लाइक अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो आपको हो सकता है आपको नेचर अट्रैक्ट करे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा, जिसके बाद आप जब वापस आएंगे तो आपको वापसी करने में और आपको क्या करना है उसके बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये भी एक तरीका है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के डिस्कस करें कि मैं बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रस्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको कुछ ना कुछ सुझाव देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता दोनों समझे, या ये भी हो सकता है दोनों भी समझ सकते हैं, बट अगर सम टाइम अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं समझ रहा है तो आप किसी तीसरे, जैसे अपने भाई बहन, किसी न किसी के पास जरूर जाएं, जो जिससे आपका बॉन्डिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, उससे मिलें और चीज़ों को डील करने का और उनसे कुछ उनके लाइफ का एक्सपीरियंस जानने का कोशिश करें और चीज़ों को आसानी से लें, चीज़ों को बिल्कुल लाइट लें, जिससे कि आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं लाइफ को लेके। अभी मैं भी जिस उम्र से गुजर रहा हूँ, इस उम्र में आपको बहुत सारी चीज़ें, या मेरे जैसे और जितने मेरे भाई बहन हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से मतलब मोटिवेशन मिलता है, ये कर लूँ, फलाना ढिंकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो आपको करने में सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब आपको अंदर से फीलिंग आता हो वो काम कीजिए। जैसे मुझे यूट्यूब वीडियो करने में और साथ में क्रिकेट खेलने में और बुक रीडिंग में और ट्रेवलिंग करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसी सारी चीज़ों, इन सब चीज़ों में भी करियर बनाया जा सकता है। तो
आप अपना एक पहचाने कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर, आप मतलब एक अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं, या आप एक अच्छे जैसे कि ट्रेवलर बन सकते हैं, या आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। आप जैसे आपको बहुत ज़्यादा अगर शौक़ हो एरोप्लेन के बारे में, तो आप हो सकते हैं उसमें केबिन क्रू पायलट, इन सब चीज़ों से जुड़ी कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया गोल है, चीज़ों को समझें। और हाँ, अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आपको किसी ना किसी बुक के टच में रहना पड़ेगा। यानी आप कोई ना कोई किताब हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। बुक से मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सारी नॉलेज मिलती है आपको दूसरे के लाइफ से, जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो बुक के जरिए जानने में और चीज़ों को समझने में और जल्दी अप्लाई करने में आसानी हो जाती है। आप किसी ना किसी बुक के टच में रहिए, आप कभी किसी भी मेंटल ट्रोमा या किसी चीज़ में नहीं जाएंगे। और बाकी हमेशा आपके पास क्या है इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड, आप भगवान को धन्यवाद शुक्राना कीजिए कि भगवान आपने जो भी दिया मेरे लिए। आप अपने आसपास देखिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और की ज़िंदगी में होता तो शायद उसको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है। जैसे हो सकता है अगर मेरे पास अभी पहनने को चप्पल है, तो किसी के पास हो सकता है पहनने को चप्पल भी ना हो, तो उसके लिए चप्पल मिलना बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ है, आप हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और चीज़ें जीवन में आती जाती रहती हैं। और आप अगर मेहनत से, लगन से, परिश्रम से कोई भी चीज़ अगर करेंगे, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत मिले, समटाइम्स आपको वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये सब गॉड प्लान होता है। इंसान अपने तरफ से बस मेहनत ही कर सकता है, बाकी आप मेहनत करते रहिए, भगवान उसका फल जरूर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।